नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एलोसोकोट्रिना। तो आज हम देखेंगे कि एलोसोकोट्रिना के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और इसको किस तरीके से दूसरी दवाइयों से डिफ्रेंशिएट किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एलोसोकोट्रिना। पहले देखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है, फैमिली थर्मल रिलेशन एंड प्रूवर कौन है। तो इसका कॉमन नेम है सोकोट्रिना एलोज, फैमिली लिलिएसी है, थर्मल रिलेशन इसका हॉट है और जो प्रूवर है वो है हेल्बिंग। अगर हम इसके जनरल सिम्टम्स की बात करेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्टेड टू इंडोलेंट वियरी पर्सन, एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, लेबर फटीग, ऐसे इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब आलसी लोग जो कि मेंटल और फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं और कोई सा भी काम करें तो जल्दी से थक जाते हैं। अगर हम आगे बात करें, ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स फ्लेगमेटिक हैबिट, ओल्ड पीपल में भी स्पेशली वुमेन जो कि रिलैक्स एंड फ्लेगमेटिक हैबिट वाली होती हैं। अगर हम इसके मेंटल जनरल की बात करेंगे तो बहुत करेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक लिखा हुआ है, डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेन स्पेशली वेन कॉन्स्टिपेटेड। क्या लिखा हुआ? डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है, किससे? अपने आप से भी और गुस्सा भी होता है। कब होता है? जब वह कॉन्स्टिपेटेड होता है या फिर उसकी कंप्लेंट्स जो बीमारी है उसकी वजह से ही अपने आप से असंतुष्ट और गुस्से में रहता है। अगर हम इसका आगे बात करेंगे फिजिकल जनरल की, तो डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसा कि हम जानते हैं कि एलोसोकोट्रिना का जो स्फेयर ऑफ एक्शन और स्पेशल एक्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे है और म्यूकस मेम्ब्रेन में डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, causes the production of mucus in jelly-like lump from throat or rectum, गले और रेक्टम या एनल कैनाल से भी इसी तरह के डिस्चार्ज, jelly-like lump affects mucus membrane और rectum। और ये जो अगला सिम्टम्स है वो खास है, extreme prostration with perspiration, prostration के साथ perspiration, मतलब बहुत ज़्यादा थकान और पसीना इसको होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम इसके GI आई सिम्टम जो कि इसका स्पेसिफिक स्पेयर ऑफ एक्शन है कहाँ पर है, ये जो कि है गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम पे। तो अगर हम जीआई सिम्टम्स की बात करेंगे तो जो पहला सिम्टम्स है वो डायरिया, डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोसेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाते ही या पीने के बाद ही इसको इमीडिएट जाना होता है मोशंस के लिए और ये रुक भी नहीं पाता, इतना ज़्यादा प्रेशर इसको होता है। अगर हम आगे बात करें, विथ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, क्यों खाने और पीने के बाद जाना चाहता है? कि जो स्फिंक्टर एनाई है वो लूज हो गया इसलिए वो कंट्रोल नहीं रख पाता है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही मोशन के लिए जाना होता है और ये कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग में हम कंपेयर करें सोराइनम रिमेक्स एंड सल्फर की, तो सोराइनम में लिखा हुआ है डायरिया सडन इम्परेटिव स्टूल वॉटरी डार्क ब्राउन फैटेड स्मेल लाइक कैरियन इनवॉलेंट्री एग्रावेशन एट नाइट फ्रॉम 1 to 4 PM। रात को सुबह 1 से लेकर 4 के बीच में इनको मोशन होता है, किसको? सोराइनम को, आफ्टर किसके बाद? किसी भी सिवियर एक्यूट डिजीज के बाद, टीथिंग प्रॉब्लम में और डायरिया इन चिल्ड्रन व्हेन वेदर चेंजेस, बच्चों में जब वेदर चेंज होते हैं तो डायरिया होता है। और डायरिया कब होता है? स्पेशली नाइट 1 से 4 बजे के बीच अगर होगा तो वो सोराइनम हो गए। और डायरिया कब होगा? आफ्टर सिवियर एक्यूट डिजीज़, किसी भी सिवियर एक्यूट डिजीज़ के बाद इस तरह के मोशंस हो सकते हैं और टीथिंग चिल्ड्रन में भी होते हैं। अगर हम रूमेक्स की बात करें तो रूमेक्स में लिखा अर्ली मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम 5 to 10 AM, सुबह 5 से लेकर 10 बजे के बीच और सोराइनम में 1 से लेकर 4 बजे के बीच। तो देखो, रात को 1 से 4 हो गया सोराइनम और 5 से 10 हो गया रूमेक्स। स्टूल्स पेनलेस प्रफ्यूज ऑफेंसिव सडन अर्जिंग ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे 6 बजे किसी भी जैसे ही उठा मोशन के लिए जाना होता है रूमेक्स को। और 5 से 10 स्पेसिफिक लिखा हुआ है और 1 से 4 स्पेसिफिक लिखा हुआ है सोराइनम में। अगर हम आगे बात करते हैं सल्फ़र की, तो सल्फ़र में लिखा हुआ है डायरिया आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया सल्फ़र में, सोराइनम और रूमेक्स में टाइम स्पेसिफाई किया गया है। और पेनलेस होता है ड्राइविंग आउट अ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एज इफ द बावल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट्स, ऐसा लगता है कि आते इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो स्टूल को
रोक भी नहीं पा रही है, रिटेन भी नहीं कर पा रही। तो ये सिम्टम्स था ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, और इसका कंपेरिजन था सोराइनम, रूमेक्स और सल्फर से। जैसा कि सोराइनम में लिखा हुआ है, सडन एंड इम्पेरेटिव डायरिया सुबह सुबह 1 से 4 के बीच में जो होता है, और 5 से 10 के बीच में होता है रूमेक्स में, और सल्फर में मिडनाइट के बाद होता है, और ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और एज इफ इंटेस्टाइन इज टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट्स। ये लिखा हुआ है अपने सोराइनम, रूमेक्स एंड सल्फर में। अगर हम अगले सिम्टम्स की बात करें, व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, इसको ऐसा लगता है कि फ्लेटस पास कर रहा है तो स्टूल भी पास हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव फीलिंग, बट होता नहीं, स्टूल वुड पास विथ इट ऐसा इसको लगता है। पर अगर हम इसके आगे बात करें, ओलियंडर, म्यूरेटिक एसिड, इंट्राम्यूर की, तो एसिड म्यूर में लिखा हुआ है डायरिया स्टूल इनवॉलेंट्री वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड, ऑन पासिंग विंड बहुत स्पेसिफिक है, डायरिया स्टूल इनवॉलेंट्री वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवेल्स मूव एट द सेम टाइम। यहाँ पे पासिंग विंड मतलब वही फ्लेटस पास करते समय स्टूल पास हो जाता, यहाँ पे पास हो जाता है, और यहाँ पे सेंसेशन है एलोज में। समझने की कोशिश करिए, ये सब्जेक्टिव फीलिंग है एलोज में, एलो में, कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि गैस के साथ स्टूल भी निकल जाएगा या निकल गया है। अब समझिए, निकल जाएगा और निकल गया है, अब निकल जाएगा ऐसा लगता है तो एलोज है, और अगर निकल गया है तो वो एसिड म्यूर में चला जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन सेंसेशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एनस टोर ब्लीडिंग स्मार्टनिंग आफ्टरवर्ड्स स्टूल ड्राई हर्ट डिफिकल्ट क्रम्बलिंग एट द वर्ज ऑफ एनस स्टिचेस इन रेक्टम इनवॉलेंट्री नोज नॉट वेदर फ्लेटस और फेसेस। ये लिखा हुआ है नेट्रम म्यूर में। क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिपेशन सेंसेशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एनस टॉर्न ब्लीडिंग स्मार्टिंग आफ्टरवर्ड्स स्टूल ड्राई हार्ड डिफिकल्ट एंड क्रम्बलिंग स्टिचेस इन रेक्टम इनवॉलेंट्री होता है नोज नॉट वेदर फ्लेटस और फीसेस के। इसे पता ही नहीं चलता नेत्रमूर को कि फीसेस है या फिर फ्लेटस है, और कॉन्स्टिपेशन भी है, क्रम्बलिंग भी, और स्टिचिंग पेन भी है। अगर हम ओलियंडर की बात करेंगे तो ओलियंडर में लिखा हुआ है स्टूल पासेस व्हेन इमिटिंग फ्लेटस। तो देखा आपने, एलो में सब्जेक्टिव फीलिंग है, एलो में सब्जेक्टिव फीलिंग है, सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, ये फीलिंग है, सेंसेशन है। तो एलोज ऐसा लगता है कि गैस के साथ स्टूल भी निकल जाएगा, अगर निकल जाएगा ऐसा लगता है पर निकलता नहीं है तो एलोज है। अगर हम म्यूरेटिक एसिड की बात करें तो निकल जाता है, अगर हम नेट्रम म्यूर की बात करें तो पता ही नहीं चलता निकला या नहीं निकला, कंफ्यूज रहता है। और म्यूरेटिक एसिड, इसके अपन ओलियंडर की बात करेंगे तो स्टूल पासेस वन इमिटिंग फ्लेटस, स्पेसिफिक लिखा हुआ है, और ये बोरिक ने लिखा हुआ है। अगर हम आगे इसके कोलिक की बात करेंगे तो कोलिक का जो पेन होता है वो है कटिंग ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमन, एक्सक्रूशिएटिंग बिफोर एंड आफ्टर स्टूल, ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल, लिविंग प्रोफ्यूस स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस अटैक प्रेसिडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ भी इसको कोलिक रहता है। अगर हम आगे और GI सिम्टम्स की बात करेंगे तो जो लिखा हुआ है फ्लेटस ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा बदबू आती है गैस से, और बर्निंग भी होती है उसकी वजह से, कोपियस बहुत ज़्यादा, मच फ्लेटस विथ स्मॉल स्टूल, गैस ज़्यादा होती है और मोशन, स्टूल कम होता है, बर्निंग इन एनस आफ्टर पासेज ऑफ स्टूल, स्टूल के पास होने के बाद बर्निंग भी होती है, और ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि फ्लेटस ऑफेंसिव एंड इनकम्पेरेटिवली, अगर इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ स्टूल इज लेस एंड फ्लेटस इज मोर। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पासेस इनवॉलेंट्रली हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, सॉलिड स्टूल एंड मासेस, अब इसके साथ म्यूकस पासेस इनवॉलेंट्रली हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। अगर हम यहाँ पे पेन की स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखा कि बिफोर स्टूल क्या होता, तो बिफोर स्टूल रंबलिंग होती है, वायलेंट एंड सडन अर्जिंग होती है, एकदम से इच्छा होगी जाने के लिए, रंबलिंग होगी, पेट में गड़गड़ाहट होगी, और हैवीनेस होगी रेक्टम में, तो ये बिफोर स्टूल। तो बिफोर स्टूल क्या होता है? रंबलिंग होती है, सडन एंड वायलेंट अर्जिंग होती है मोशन के लिए, और हैवीनेस होती है रेक्टम में।
तो पेट में गड़गड़ाहट, जाने की तीव्र इच्छा होना और रेक्टम में हैवीनेस, ये होता है बिफोर स्टूल। अब ड्यूरिंग स्टूल क्या होता है? टेनिसमस एंड मच फ्लेटस, मतलब स्पैजमोडिक पेन और गैस निकलती है, और आफ्टर स्टूल फेंटनेस आ जाती है एलोज में। अगर हम इसके आगे बात करें हिमोराइडल सिम्टम्स की, तो हिमोराइड्स में एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है ब्लू लाइक ए बंच ऑफ ग्रेस ग्रेप्स। तो ये समझने वाली ज़रूरत है कि ऐसा लगता है पेशेंट ऐसा कहता है या डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये तो अंगूर के गुच्छों की तरह है। कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग सोर टेंडर हॉट जो होता है, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, और इंटेंस इचिंग होती है। और इचिंग का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ इचिंग इन बर्निंग एनस, इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप। इतनी ज़्यादा खुजली और जलन होती है एनल रीजन पे कि पेशेंट रात को सो भी नहीं पाता है। अगर हम इसी के आगे सिम्टम्स की बात करें इंडिगो के, तो इंडिगो में लिखा हुआ है अराउज्ड एट नाइट विथ हॉरिबल ईचिंग एट एनस। रात को उठ जाता है और बहुत तेज खुजली चलती है इंडिगो में, ये बोरिक ने लिखा हुआ है। अगर हम इसके हेड एंड स्किन सिम्टम्स की बात करेंगे, तो इसमें स्पेसिफिक हेडेक लिखा हुआ है, और वो हेडेक है फोरहेड पे। तो हेडेक अक्रॉस द फोरहेड, एग्रावेशन बाय एवरी फुट स्टेप विथ हैवीनेस ऑफ आइज एंड नोजिया। फुट फुट स्टेप को लेके बेलाडोना एंड ब्राइनिया को कंपेयर किया, वो हम आगे देखेंगे कि बेलाडोना और ब्राइनिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर हेडेक की बात करें, तो हेडेक आर वर्स फ्रॉम हियर, सुनने से सिरदर्द बढ़ जाता है, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडे से आराम होता। हेडेक अल्टरनेटिंग विद लंबेगो, ये बहुत स्पेसिफिक है, आप ध्यान रखिए। और एक जो खास सिम्टम्स है वो है हेडेक आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इनसफिशियंट स्टूल को लेके आगे ब्राइनिया में लिखा हुआ है कि हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और हेडेक का करेक्टर क्या क्या है? वेन स्टूपिंग एज ए ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू द फोरहेड, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो झुकेगा तो उसका सिर फटके बाहर आ जाएगा। और हेडेक किन किन चीज़ों से होता है? फ्रॉम आयरनिंग, प्रेस करने से, खांसने से, ऑन कफिंग, इन मॉर्निंग, आफ्टर राइजिंग, और वेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, आँख खोलते ही ब्राइनिया को सिरदर्द होने लगता है। और सिरदर्द कब शुरू हो जाता है? कमेंसिंग इन द मॉर्निंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अंटिल इवनिंग, एंड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो बहुत ध्यान रखिए, एलोज में पेशेंट आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं होता तो मुझे सिरदर्द होता है, और ब्राइनिया कहता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है इसलिए मुझे सिरदर्द है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और बेलाडोना में लिखा हुआ है कि हेडेक विद कंजेस्टिव हेडेक विद रेड फेस एंड थ्रोबिंग अ ब्रेन इन कैरोटिड्स, थ्रोबिंग होती है यहाँ पे। और एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइट नॉइज, थोड़ी सी आवाज़ से भी डर होता है, यहाँ पे सिर्फ सुनने से होता है, नॉइज से हेडेक नहीं लिखा हुआ है, जबकि बेलाडोना में लिखा हुआ है फ्रॉम स्लाइट नॉइज, जर, मोशन, लाइंग डाउन एंड लीस्ट एग्जर्शन। रिलीव कैसे होता है? कोई सिर दर्द, सिर को दबा दे तो सिर दर्द में आराम हो जाता है, सिर को कोई बांध दे कपड़े से तो आराम हो जाता है, रैपिंग अप कपड़े से, उसको रैप अप कर दे तो आराम हो जाता है, एंड ड्यूरिंग मेंसेस। अब ड्यूरिंग मेंसेस क्यों होता है? क्योंकि कंजेस्टिव हेडेक है, ब्लीडिंग होने से कंजेशन कम हो जाता है, तो इसको सिर दर्द में थोड़ा आराम आता है। अगर हम बात करें स्किन की, तो ईच अपीयर एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस, जैसे ही ठंड आती है शरीर में हर साल इसी समय खुजली चलने लगती है इस पेशेंट को। तो एलोज आपको ध्यान रखना है, ईच अपीयर ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस। क्लिनिशियंस तो ध्यान दे ही दे, स्टूडेंट भी ध्यान दे, और जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे कि ईच अपीयर ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस। अगर हम आगे इसके मॉडलिटीज़ की बात करेंगे, तो एग्रावेशन है अर्ली मॉर्निंग, सेडेंट्री लाइफ्स की वजह से इसको तकलीफ होती है, हॉट एंड ड्राई वेदर में भी इसको तकलीफ होती है, खाने और पीने के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग भी इसको प्रॉब्लम होती है, हम डायरिया में देख के आए हैं, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग से भी इसको परेशानी होती है। अगर हम एमिलियोरेशन की बात करें, तो कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वेदर से एंड डिस्चार्ज ऑफ स्टूल एंड फ्लेटर्स से इसको रिलीफ मिलता है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करेंगे, तो लाइक सल्फर इन मेनी क्रोनिक डिजीज विथ एब्डोमिनल प्लेथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप सप्रेस्ड इरप्शंस, सिमिलर ये अमोन म्यूर, गंबोजिया, नक्सोमिका एंड पोडोफाइलम इसकी सिमिलर मेडिसिन है। तो देखा दोस्तों आपने कि एलो किस तरीके से क्लिनिक में काम करते हैं, क्या इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, और उन्हें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम मेंटल की बात करेंगे, तो इंडोलेंट वेरी पर्सन होता है, जो कि मेंटल एंड फिजिकल वर्क को अवर्जन होता है, उससे मेंटल एंड फिजिकल वर्क नहीं कर पाता है, और थोड़ा सा भी लेबर करने से फटीग हो जाता है। अगर हम इसके स्टूल की बात करेंगे, तो डायरिया होता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से,
और स्पिंक्टर अनाई वीक लगते हैं और ऐसा लगता है कि फ्लेटस के साथ ही इसने स्टूल पास कर दिया। ये सेंसेशन है और किस तरीके से पास कर देता है, किस में कन्फ्यूज़न होता है, ये सब हमने कंपैरेटिव स्टडी देख ली है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और कोई मेडिसिन का वीडियो अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे बताएं, और देखते रहिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।